काया बेदम हो गई है महाराज, भोजन बिना आत्मा भटक रही है, जिभ्या सूख गई है, बोला भी नहीं जाता। विकट संकट में जीवन दुर्लभ होता जा रहा है महाराज। कठिन आपत्तियां विषम परिस्थितियों से समझौता करती चली जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे जीवन अंतिम छोर की तरफ हो महाराज। पूर्व जन्म के संस्कार और किस्मत ने हमें आपत्तियों के अथाह सागर में धकेल रखा है प्रिय। ये कष्टों का समय भूखे प्यास से रहकर ही व्यतीत करना पड़ेगा महारानी। इसका इसका तात्पर्य पूर्व जन्म में हमसे कोई अधर्म हो गया था क्या? यदि ऐसा ना हुआ होता तो मुझमें और पुष्कर में कितना स्नेह था, इतिहास में अन्य कोई ऐसा प्रमाण ही नहीं। ये प्रारब्ध का ही फल है महारानी। तुम्हारी ये दुर्दशा मुझे देखी नहीं जाती प्रिय, परंतु मैं कर्म और किस्मत के विषय में भली भांति जानता हूं, इसलिए हृदय में धैर्य धारण भी ऐसी व्यवस्था में करना पड़ता है। स्वामी, कब तक इन अपार कष्टों की मार झेलनी पड़ेगी? जब तक पूर्व जन्मों के दुष्कर्मों का समय पूरा नहीं हो जाता, और जब पूर्व जन्मों के कार्यों का समय पूरा हो जाएगा तो किस्मत का पासा ही पलटता दिखाई देने लगेगा प्रिय। हे स्वामी, पूर्व जन्मों में ऐसा कौन सा हमसे पाप हो गया है जिसके फलस्वरूप ऐसी घोर यातनाओं का सामना करना पड़ रहा है? प्रत्येक व्यक्ति को अपने पिछले जन्मों की अधिकांश याद नहीं रह जाती है, इसलिए हे प्रिय, इस प्रश्न की पुष्टि करने से भी तुम संतुष्ट नहीं हो पाओगी। क्यों स्वामी, क्यों? क्योंकि तुम्हें स्वयं पूर्व जन्म की याद नहीं है। यदि किसी विद्वान पुरुष ने तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर समुचित रूप से दे भी दिया तो ये अनभिज्ञता का ही विषय होगा प्रिय। आत्म शांति के लिए कुछ ना कुछ तो बताने का प्रयत्न कीजिए स्वामी। हमसे पूर्व जन्म में कोई ना कोई जानबूझकर अथवा अनजाने में ऐसा गलत कार्य अवश्य हुआ होगा जिसकी सजा हमें भोगनी पड़ रही है। हे महाराज, हमारी भूख की तृप्ति के लिए आज किसी भी प्रकार के व्यंजन मवस्तर नहीं है। लगता है भोजन के मोहताज हम दोनों प्राणियों के शरीर का सेवन अब आपत्तियां ही कर रही हैं। आपत्तियों में ये शरीर स्वाभाविक कमजोर हो जाता है। परंतु भूख में भोजन न मिलने पर तुम्हारा ये कहना कि अब हमारे शरीर का आपत्तियां सेवन कर रही अतिशयोक्ति नहीं। अब तो वास्तविक प्रतीत होता है महारानी, जो आपत्ति में घबराते नहीं और शांति का चोला पहनकर धैर्य धारण कर लेते हैं उन्हें कर्मवीर कहा जाता है। तुमने राजघराने में जन्म लिया है, तुम एक सतयुग के महावीर नर की नारी हो और नरवरगढ़ की महारानी रही। आपत्ति में कुंठित होना तुम्हें शोभा नहीं देता। समय व्यतीत हो जाता है और गाथाएं रह जाती हैं, इसलिए अतीत का ध्यान और सम्मान रखते हुए मेरी भावनात्मक शैली पर प्रकाश डालने का हर संभव प्रयास कीजिए, अन्यथा वेद शास्त्र के उपनिषद और पुराणों की परिभाषा ही बदल जाएगी। स्वामी, आपकी शैली से मन प्रभावित हुआ है महाराज। यदि आपकी आज्ञा हो तो कुछ समय विश्राम कर ले। हाँ, यदि ज्यादा थकावट आ गई है तो कुछ समय आराम कर लीजिए। यदि भोजन उपलब्ध नहीं हो पाया तो भूख की तृप्ति नहीं हो पाएगी, और यदि भूख की तृप्ति नहीं हो पाई तो जीते जी प्राण संकट में पड़ सकते हैं। भोजन की खोज में चलना चाहिए, फल इत्यादि ही मिल जाए तो भूख में भला हो जाएगा। अरे, किसी भी वृक्ष पर कोई फल दिखाई नहीं देता, लगता है विधाता ही रूठ हुआ। कदम कदम पर जहां आशा करके देखता हूं निराशा की दीवार ही नजर आती है। इस दयनीय दशा में संकट का कोई छोर ही नजर नहीं आता। आखिर कब तक कष्ट से खेलना पड़ेगा? वैसे संकट का सामना करना तो क्षत्रिय महावीरों का कर्तव्य भी होता है। भोजन की खोज में घूम रहा, यदि मिल जाए तो भला, और यदि ना भी मिला तो भी भला। मैं अपनी कर्तव्य परायणता से दूर नहीं, आगे चलकर देखता हूं कोई उपलब्धि हो जाए। अरे,
क्या दिखाई दे रहे हैं। मेरे दिमाग में एक युक्ति आ रही है कि इन तीतरों को पकड़ूं और इन्हें बाजार में बेचकर बाजार से इनके बदले भोजन सामग्री ले आऊं। इन तीतरों को पकड़ने के लिए जाल इत्यादि भी नहीं है, अपनी धोती का जाल बनाकर ही पकड़ना चाहिए। अरे तीतर तो धोती लेकर ही उड़ गई। भाग ही होता है, हे विधाता, धोती की लंगोटी भी जाती रही। ये और शर्मनाक घड़ी आ गई। अब क्या करना चाहिए? इस नगन शरीर को ढकने के लिए वस्त्र तो अवश्य चाहिए। सोनोटेप कैसेट। अरे ये तलवार भी रखी हुई है, इसे दमयंती की धोती का आधा हिस्सा काट लेता हूं। भाग्य और प्रारब्ध के कर्मों ने जीवन साथी की धोती पाड़ने पर विपश कर दिया। मैंने ही उसे थकावट में सोने की आज्ञा दी थी और मैं ही उसकी आदि धोती चीर कर ले आया, उसे सोती छोड़ाया। पत्नी के साथ धोखा भी इस बैरी मुकद्दर ने करा दिया। जब दमयंती की आंखें खुलेंगी तो देखेगी पति कहां है। पति को भूल भी नहीं पाएगी कि निगाह फटी धोती पर जाएगी। दो कष्ट एक साथ कैसे सहन कर पाएगी? हाय विधाता, इस पत्थर दिल को भी पिघला दिया। ये आंख कभी नम नहीं हो सकती थी, परंतु आज ये भाग्यवान आंखें पिया भगन का रूप धारण करके अपने आप को अकेला समझकर झरना बनकर बह रही हैं। विधाता, मैं अब क्या कहां जाऊं? वापस जाऊं तो दमयंती का दुखड़ा सहन नहीं होगा, और आगे बढ़ूं तो कहां? मेरी बुद्धि और विवेक भी इस व्यवस्था में निर्णय लेने में असहाय। ये विचाराधीन था निर्णय का मार्ग नहीं खोज पा रही। होने वाले अतीत में किसी भी कष्ट से विधाता हमें अवश्य ही वंचित रखना, अन्यथा हम किसी कष्ट की मार सहन नहीं कर पाएंगे। न्याय धर्म और पुण्य भगवान स्वरूप होते हैं। यदि न्याय धर्म और पुण्य के रास्ते से हम भटक गए हैं, भगवान तेरा नाम ही निम्न कोटि में आ जाएगा। हे विधाता, विवश होकर अन्याय अधर्म और पाप मैं स्वयं अपनी पत्नी से करके आ रहा हूं। पतिदेव कहाँ है? मुझे भागन को सोती छोड़कर संकट में कहाँ चले गए? अरे ये क्या, साड़ी का आधा हिस्सा कौन पाड़ कर ले गया? हे भगवान, भयानक रात में मैं अकेली हूँ। हृदय में भय व्याप्त होता जा रहा है। जंगली जानवर आ गया तो नहीं। प्रभु मेरी सहायता करो। ऐसी खता कौन सी हुई पिया जो छोड़ गई सोती? ऐसी खता कौन सी हुई पिया जो छोड़ गई सोती? ओ, ओ छोड़ गए सोती। जीना लागे बिना पति के, उड़ रे होश अकेली सती के। जीना लागे बिना पति के, उड़ रे होश अकेली सती के। क्यों कर बदली मूढ़ मती ब्याही जो ये झगड़े जोती? ऐसी खता कौन सी हुई पिया जो छोड़ गए सोती? ओ, ओ छोड़ गए सोती। बन में गम की झाल उठे मेरे मन में, किस
कैसे पिया कहूँ इस बण में, गम की झाल उठे मेरे मन में। घन में घोर पड़े दमयंती, डर डर के बेहद रोती। ऐसी खता कौन सी हुई पिया जो छोड़ गए सोती, ओ छोड़ गए सोती। निर्भागन रह गई अकेली, कहाँ गई पिया मन की मेली। निर्भागन रह गई अकेली, कहाँ गई पिया मन की मेली। विपदा झेली ब्याही ने दुखी हो के, आज विपद टोती। ऐसी खता कौन सी हुई पिया जो छोड़ गए सोती, ओ छोड़ गए सोती। राजा ते कंगाल करे हम, होनी ने बेहाल करे हम, राजा ते कंगाल करे हम। ऋषि पाड़ कौन ले गया मेरी आधी पाड़ के धोती। ऐसी खता कौन सी हुई पिया जो छोड़ गए सोती, ऐसी खता कौन सी हुई पिया जो छोड़ गए सोती, ओ छोड़ गए सोती, ओ छोड़ गए सोती, ओ छोड़ गए सोती। अरे ये सामने से कौन आ रहा है? आज तो कोई ठहरने का भी स्थान नहीं है, थोड़ा बहुत आराम भी कर लेते। लगभग आधी रात ढल चुकी है, 3-4 घंटे बाद ही सवेरा हो जाएगा। हे प्रभु, शीघ्र ही सवेरा कर दे, पति देव को खोजूंगी। पति देव की ओर से मन व्याकुल हो रहा है, एक एक क्षण काटना कठिन हो रहा है। लगता है इस वृक्ष के नीचे कोई मानसमती अवश्य है, क्योंकि बुदबुदाहट की आवाज आ रही है। देखते हैं। अरे तुम कौन हो? मैं एक अभागन नारी हूं। इस भयानक अंधेरी रात में इस वृक्ष के नीचे कैसे बैठी हो? मेरी बड़ी गम की गाथा है, सुनोगे तो हृदय करुणा से भर आएगा और रोने लगोगे। बताओ हे देवी, बताओ। यदि आप सुनना ही चाहते तो सुनो। सुनाओ। मैं नरवरगढ़ के राजा नल की महारानी दमयंती हूँ। राजा नल की दमयंती? हाँ। फिर यहाँ कैसे, और वो भी रात में? मेरे पति मुझे इस जंगल में सोती छोड़ गए। कहाँ चले गए तुम्हारे पति? मुझे उनका कोई पता नहीं। परंतु राजधानी छोड़कर तुम यहाँ क्यों आ गए? क्योंकि मेरे पति देव और मेरे देवश्री के बीच जुए का खेल हुआ था। फिर? उस खेल में मेरे पति सब राजपाट हार गए और हमें देवश्री ने राजधानी से निकाल दिया। बड़े निर्दयी हैं तुम्हारे देवर। हाँ, देवश्री ने एक शर्त और रखी कि यदि नरवरगढ़ की सीमा में भी दिखाई दे गए तो तुम्हें कड़ा दंड मिलेगा। हे महारानी, तुम्हारी गंभीर गाथा सुनकर मेरा हृदय करुणा से भर आया। हमें तुम पर दया आ रही है। यदि बुरा ना मानो तो एक बात कहें। कहिए। हमारे साथ चलो, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। हम तुम्हें अपनी बहन के समान आदर सहित अपने पास रखेंगे। आपत्ति में किसी दुखिया की सहायता करना मानव का मानवता के नाते कर्तव्य भी बनता है। परंतु पति देव का कैसे पता लगेगा कि वो कहाँ
और किस हाल में है। यदि ईश्वर को मंजूर होगा तो वो भी मिल जाएंगे, तुम चलो हमारे साथ। चलिए, भगवान आपका भला करेगा। महाराज प्रणाम। प्रणाम बच्चा, कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? मैं एक अभा का व्यक्ति हूँ, मेरा नाम नल है महाराज। नल? हाँ महात्मा जी। एक नल तो नरवरगढ़ का राजा है और एक तू नल है? मैं वही राजा नल हूँ जो कभी नरवरगढ़ का राजा नल हुआ करता था महाराज। नरवरगढ़ का वही राजा नल? जी महात्मा जी। ऐसी दुर्दशा में कैसे, राजा से रंग का रूप कैसे हो गया बच्चा? होनी बलवान है और समय की परिभाषा बदलते देर नहीं लगती। अतीत का किसने पता लगाया है महाराज, पल से पल में क्या हो जाए। मेरे भाग में ये दुर्दशा और धक्के लिखे थे। बच्चा, तूने जो कुछ कहा है वह अटल सत्य है। भगवान की लीला बड़ी ही निराली है। भगवान की लीला को भगवान का भक्त ही जान सकता है, अन्यथा संसार में कोई नहीं। इसलिए ईश्वर भक्त बनकर भगवान का भजन करिए, सब ठीक हो जाएगा। जो समय व्यतीत हो गया वो समय कभी लौट के नहीं आता बच्चा, और जो आज है वो कल नहीं रहेगा। समय परिवर्तनशील है बच्चा, चिंता त्यागो और आपत्ति का समय हंस खेल कर व्यतीत करो। दुख प्रकट करने से आपत्ति कदापि कम नहीं होती, अपितु बढ़ती है बच्चा। आपके ओजस्वी प्रवचनों से मेरे हृदय की पीड़ा कुछ कम हो गई और बज्जर की भांति हृदय कठोर सा होता जा रहा है महाराज। मन की विडंबना और भ्रांति व्यक्ति को उसके मार्ग से विचलित अथवा पथ भ्रष्ट कर देती है। इसलिए विडंबना और भ्रांति का हृदय में स्थान ग्रहण मत होने दीजिए। ये दुख और सुख का संसार चक्र है, कभी दुख और कभी सुख जो घूमता रहता है। समय तो आनी जानी से
आज नहीं वो कल होगा। एक दिन तेरी बात में बल होगा। जो नल तू पहले था नरवर का राजा नल होगा। जो नल पहले था तू फिर नरवर का राजा नल होगा। समय तो आन जानी है जो आज नहीं वो कल होगा। समय तो आन जानी आज नहीं वो कल होगा।
आपका निवास स्थान कहां है महाराज? बच्चा, हमारा कोई स्थायी स्थान नहीं हुआ करता। साधु तो बहते पानी और रमते जोगी की तरह होते हैं, आज यहां तो कल कहीं और। मार्ग में विचरण करने वाले यात्री, बनी में आग लग जाने से मेरी त्वचा झुलस गई है। ऐसी असहाय स्थिति में मेरी रक्षा करो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। हे नाग देवता, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं? मुझे इस स्थान से कहीं दूर ले चलो। ठीक, ले चलता हूं। हे नाग देवता, मैंने तो तुम्हारे साथ उपकार ही किया था, और तुमने मेरे किए उपकार के बदले मेरे साथ ही अन्याय और धर्म क्यों किया? नाग देवता, तुम्हें तो मेरे उपकार के बदले उपकार ही करना चाहिए था। जो कुछ मैंने किया है वह उचित ही किया है, और ऐसा मुझे अवश्य ही करना चाहिए था। क्या तुम्हारे इस जन्म सिद्ध कार्य का कोई रहस्य है नाग देवता? हाँ, रहस्य है, और तुमने ये प्रश्न भ्रम और अभिज्ञता में किया है, क्योंकि तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूं। परंतु मैं तुम्हें भली भांति जानता हूं, तुम आपत्तियों से घिरे प्रथम के नल हो। कृपया मुझे बताइए कि तुम नाग देवता नहीं हो क्या? मैंने सर्प का रूप धारण करके अपनी योग माया से इस बनी में आग लगाई है, और मुझे यह भी पता था कि तुम इसी मार्ग से आ रहे हो। मैंने तुम्हें आवाज देकर रोका, यह मेरा षड्यंत्र था, और मैंने डंक मारकर तुम्हें हताहत किया, यह भी मैंने जानबूझकर किया है। क्यों महाराज? क्योंकि प्रारब्ध में तुम बाहुक नामक भील थे, और तुम्हारी पतिव्रता स्त्री महारानी दमयंती बाहुक की भीलनी के नाम से पत्नी थी। तुमने जो मेरी वृद्ध ब्राह्मण के रूप में सेवा की थी, उसी से प्रसन्न होकर मैंने अतीत के जन्म का वरदान दिया था। हे नल, मैं शिव शंकर हूं। हे देवों के देव महादेव, मैं नतमस्तक होकर आपको प्रणाम करता हूं, परंतु मुझे इतना भी बताइए कि मेरे साथ आपने इस समय क्या उपकार किया है? जिस शनि और कलियुग ने तुम्हें धर्म संकट में डाल रखा है, अब वो तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। हे महादेव, अब मैं इस विकट संकट से बिल्कुल व्याकुल हो चुका हूं, और तन भी दुर्बल हो चुका है। हे त्रिपुरारी, हे भोले शंकर, मेरी सहायता करो। अवश्य बच्चा। क्या अब मुझे कोई आराम करने का स्थान मिल सकता है? मिलेगा, अवश्य मिलेगा। कहां भोलेनाथ? राजा ऋतुपुण के राजमहल में। अब मैं कहां हूं भोलेनाथ? अब तुम जहां हो, ये राजा ऋतुपुण की ही राजधानी है। जाओ और अपना नाम बाहुक बताकर जीवन निर्वाह करो। जो आज्ञा भोलेनाथ जी। प्रणाम महाराज। प्रणाम हे युवक, अपना परिचय बताओ। राजन, मैं एक असहाय व्यक्ति हूं। हमारे राजमहल में कैसे आना हुआ? आप प्रजा के राजा हैं महाराज, और मैंने यह भी सुना है कि आप दीनों पर दया करने वाले हैं, इसीलिए निसंकोच आपके राजमहल में चला आया। काम क्या जानते हो? मैं घुड़साल का सारा काम जानता हूं महाराज। यदि घुड़साल में कोई रिक्त स्थान हो तो कृपया मेरी विनती स्वीकार करिए राजन। यदि तुम घुड़साल का कार्य भली भांति जानते हो, तो हमारे राजमहल में अश्वों की देखरेख अथवा
सेवक के रूप में अवश्य ही कार्य मिल जाएगा। भली भांति जानता हूं महाराज। ठीक है, अभी से घुड़सवार की सेवा करना प्रारंभ कर दो। जुआ क्या महाराज? हाय भगवान, ये क्या हो गया? ना पुत्री दमयंती का कोई पता है और ना ही उसके पति का। क्या किया जाए? स्वामी, चिंता करने से कदापि किसी संकट में सफलता का मार्ग प्राप्त नहीं होता। फिर क्या किया जाए महारानी? कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। उन्हें खोजने का कोई ना कोई मार्ग अवश्य देखिए महाराज। सर्वप्रथम राजदूतों को जहां तहां भेजकर पता लगाने का प्रयास किया जाए। इसमें विलंब ना कीजिए महाराज। राजदूतों को बुलवाता हूँ। प्रणाम महाराज। प्रणाम। क्या आदेश है महाराज? जहां तहां राजाओं की राजधानियों में जाकर दमयंती और नल को खोजने के लिए निकल जाओ। जो आज्ञा महाराज। अरे, सकल सूरत से तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये वास्तव में दमयंती हो। ए राजदूत, तुम यहाँ कैसे? परंतु अपना प्रश्न करने से पहले हमारे प्रश्न का उत्तर दो कि तुम यहाँ कैसे? मैं विपदा में भूखी प्यासी भटकती देव योग से यहाँ आ गई। इस महल के दरवाजे पर सदा वृत्त का प्रसाद बट रहा था। मैंने भी भूख की तृप्ति के लिए प्रसाद ग्रहण किया। फिर क्या हुआ? महल के दरवाजे पर खड़ी राजकुमारी को मुझ पर दया आ गई। मुझे अपनी दासी के द्वारा महल में बुलवाया और अपने महल में रख लिया। जानती हो ये कौन सा देश है? नहीं। ये चेदी देश है। चेदी देश? चेदी देश में तो मेरी मौसी हुआ करती थी। तुम्हारे माता श्री और पिता श्री तुम्हारे संकट की व्यथा को सुनकर मन में तुमसे मिलने की अभिलाषा में बड़े ही आतुर हैं। तुम्हारे वियोग में उन्होंने भोजन पानी भी त्याग रखा है और हम तुम्हें खोजते खोजते यहाँ तक आए हैं। अपने माता पिता के पास शीघ्र पहुँचना अति आवश्यक है। क्या मेरे माता पिता का ऐसा हाल? मैं भी उनसे मिलने को बहुत बहुत व्याकुल हो रही हूँ राजदूत। तुम चिंता ना करो राजकुमारी जी, हम अभी जाते हैं और तुम्हारे पिता श्री को तुम्हारे यहाँ रहने की सूचना देते हैं। वो स्वयं तुम्हें आकर यहाँ से ले जाएंगे। महाराज की जय हो। कुछ पता चला मेरी पुत्री और उसके पति का? महाराज, दमयंती का तो पता लग गया। कहाँ है मेरी पुत्री? चेदी देश के राजा के राजमहल में अपना समय व्यतीत कर रही है। अच्छा, ठीक है, हम आज ही जाकर अपनी पुत्री को वहां से लेकर आएंगे। अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए महाराज, क्योंकि अभी हमें राजा नल को खोजने जाना है। ठीक है, शीघ्र चले जाओ। प्रणाम है राजन। प्रणाम राजदूतो, कोई अशुभ समाचार तो नहीं है? राजा नल की खोज में घूम रहे हैं, इसे शुभ समाचार समझिए या अशुभ समाचार। राजा नल तो अपने अनुज भ्राता पुष्कर से द्यूत क्रीड़ा में पराजित होने के पश्चात पुष्कर के आदेश पर किसी गोपनीय स्थान की खोज में निकल गए थे। तब से उनका पता ही नहीं है। दमयंती का तो पता चल गया है राजन। कहाँ? चेदी देश में। इसका तात्पर्य दोनों परस्पर एक दूसरे से बिछुड़ गए हैं क्या? हाँ, राजा नल का कुछ पता नहीं लगा है। इस विषय में हमको तो लेश मात्र भी पता नहीं। हे राजन, आपके राजमहल में काले रंग का ये युवक कौन है? हमारी घुड़साल का नौकर है। तुम्हारे महल में रहते रहते इसे कितना समय हो गया है? इसको हमारे राजमहल में लगभग 11 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। ठीक है राजन,
नल की खोज करते करते पता नहीं हमें कहां कहां जाना पड़े और कितना समय लग जाए। चलने की आज्ञा चाहते हैं। ठीक है, आज्ञा है। माताश्री प्रणाम। मेरे बच्चों, कैसे हो, कैसे हो तुम? हम तो कुशल पूर्वक है माताश्री, परंतु पिताश्री दिख रहा है, उनकी हमें बहुत याद आ रही है माताश्री। इस प्रश्न के कष्ट की पीड़ा ने तो मेरे हृदय को भी व्याकुल कर रखा। इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें कैसे दूं बच्चों, तुम्हें कैसे दूं? Thank you.
नजर नहीं आता। कहाँ छोड़े री, कहाँ छोड़े री पिताजी तने माता, सबर नहीं आता। ले मारी गेलिया बीजा बुरा करा था, बिना पिता के मात आज मैं सोना जीना चाहता। बुरी बखत ले मारी गेलिया बीजा बुरा करा। प्रणाम है राजन। प्रणाम। लगा कोई पता राजन हल्का? पता लगा भी और कुछ ना भी लग पाया। ये क्या कह रहे हो राजदूत, स्पष्ट शैली में उत्तर दीजिए। राजकुमारी दमयंती को खोजने के पश्चात हम नल को खोजते खोजते राजा ऋतुपर्ण की राजधानी पहुंचे। राजा ऋतुपर्ण के यहाँ तुमने क्या पाया? राजा ऋतुपर्ण के यहाँ पहुंचकर हम आश्चर्यचकित रह गए महाराज। ऐसी क्या बात थी? राजा ऋतुपर्ण के राजमहल में हमने एक अजीब दृश्य देखा महाराज। क्या देखा बताओ तो सही। एक व्यक्ति की चाल ढाल, वह उसके गुण, वह लक्षण, आंख नाक राजा नल जैसे प्रतीत होते थे, परंतु परंतु क्या? परंतु उसका रंग बिल्कुल काला भूसंड था। हो न हो, संभवतः वो युवक राजा नल ही हो। ये तो तुमने बड़ा ही शुभ समाचार सुनाया है। इस समाचार को सुनकर मेरे हृदय में शांति की लहर दौड़ी है। महाराज, दूत क्या समाचार लेकर आए हैं? दूतों का समाचार तो सराहनीय है महारानी, परंतु अभी रहस्यमयी स्थिति बनी हुई है। इसका निराकरण सोचिए महाराज। अब तो एक ही विकल्प रह गया है महारानी। क्या महाराज? दमयंती का पुनः स्वयंवर रचाया जाए और ऐसी शर्त रखी जाए कि जिन शर्तों के प्रश्न का उत्तर मात्र राजा नल ही दे पाए। वो शर्त किस प्रकार की होगी महाराज? मैं बताती हूं माताश्री। बताओ पुत्री, मेरे होने वाले स्वयंवर में मैं स्वयं प्रश्न करूंगी और कहूंगी कि ये वरमाला उसी के गले में पड़ेगी जो मेरे प्रश्नों का सही उत्तर दे सके। क्या प्रश्न पूछोगी बेटी? मैं पूछूंगी कि दमयंती का प्रथम विवाह किसके साथ हुआ था, दमयंती के पिता का नाम क्या था। और यदि इन प्रश्नों का उत्तर दे दिया गया तो, यदि मेरे इन प्रश्नों का उत्तर मिल गया तो मैं पुनः ये पूछूंगी कि जुआ किस किसके मध्यस्थ हुआ था। यदि इस प्रश्न की भी पुष्टि हो गई तो, यदि इस प्रश्न की भी पुष्टि हो गई तो एक बहुत ही कठिन और क्लिष्ट प्रश्न होगा। वो क्या पुत्री? राजा नल और दमयंती का अंतिम मिलन और परस्पर अलग कब हुए थे, और दमयंती की आधी धोती किसने पाड़ी थी, क्योंकि उस समय जंगल वन में कोई मनुष्य मात्र भी नहीं था। इस प्रश्न का उत्तर एकमात्र राजा नल ही दे सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं। राजदूतों को बुलवाया जाए। राजदूत। प्रणाम महाराज। क्या आदेश है महाराज? दमयंती के स्वयंवर का निमंत्रण हमारी राजकुमारी के योग्य संपन्न राजाओं पर पहुंचा दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। हाँ, और सुनो, राजा ऋतुपर्ण के राजमहल में विशेष रूप से निमंत्रण पहुंचाना है। कृपया संकेत दीजिए महाराज। राजा ऋतुपर्ण के राजमहल में घुड़साल में सेवा करने वाला युवक स्वयंवर में अवश्य आना चाहिए। जो आज्ञा महाराज। राजमहल में विशेष रूप से निमंत्रण पहुंचाना है। कृपया संकेत दीजिए महाराज। राजा ऋतुपर्ण के राजमहल में घुड़साल में सेवा करने वाला युवक स्वयंवर में अवश्य आना चाहिए। जो आज्ञा महाराज। अपनी पुत्री दमयंती के स्वयंवर में आप सभी ने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, और आपके आगमन पर हम अपने राजमहल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं।
ये स्वयंवर कोई साधारण स्वयंवर नहीं है, क्योंकि हमारी पुत्री का एक ही जीवन काल में दूसरा स्वयंवर है। इस स्वयंवर में जो हमारी पुत्री के प्रश्नों का समुचित उत्तर देगा, दमयंती उसी के गले में वरमाला पहनाएगी और वो ही उसकी जोड़ी का वर होगा। इसलिए बुद्धि और विवेक से मेरी पुत्री के प्रश्नों को अपने संज्ञान में लाकर सोच समझकर उत्तर देना। हे राजन, स्वयंवर की शर्तों का शुभारंभ मुझसे किया जाए, ये मेरी हार्दिक अभिलाषा। मैं भी यही कहना चाहता था और सोच रहा था कि बड़े बड़े राजमुकुटधारी राजाओं से पहले तुमसे ही स्वयंवर की प्रतियोगिता का श्री गणेश हो, क्योंकि तुम्हें हमने विशेष आग्रह पर स्वयंवर में आमंत्रित किया है। धन्य हो राजन, ऐसा प्रतीत होता है कि आप मनोविज्ञान में भी जिज्ञासा रखते हैं। पुत्री दमयंती। जी पिताश्री। हम तुम्हें आज्ञा देते हैं कि अपने शर्तों का अपने मुखार बिंदु से व्याख्यान करते हुए स्वयं अपने स्वयंवर का कार्यक्रम प्रारंभ कीजिए। जो आज्ञा पिताश्री। शरत करणी दमयंती ने ब्याहवन आया। स्वयंवर की जो शर्त आज। राजा नल ले गया धोती में साफ साफ बतलाऊं। किसकी धोती ले गया नल में भेद बूझना चाहूं। दमयंती की धोती ले गया यूं तन्ने समझाऊं। किसने पति बना कुण कष्ट मिटावन आया। स्वयंवर में मैं तेरी सुरत्न चाहवन आया। स्वयंवर की जो शर्त आज उन्हें कौन निभावन आया। स्वयंवर में मैं तेरी सुरत्न चाहवन। टीवी धर्म देश के भीमसेन की जाए। दमयंती की किस राजा के संग में हुई सगाई। दमयंती थी वीरसेन के राजा नल की ब्याही। थाई विपद दमयंती ने कुण हाल बतावन आया। पता कहानी का जिसने वो कथा सुनावन आया। स्वयंवर की जो शर्त आज उन्हें कौन निभावन आया। शर्त करने में पूरी आज मैं तन्ने ब्याहवन आया।
बेटे नल की थी नरवरगढ़ राजधानी। राजा नल ते नरवरगढ़ की क्यों हुई भूमि बिरानी। हाय पुष्कर ते जुआ खेल के बड़ी ओटनी हानी। दमयंती के स्वयंवर की मैं विपत मिटावन आया। स्वयंवर की जो शर्त आज उन्हें कौन निभावन आया। पूरी शरत करनिया दमयंती ने ब्याहवन हे बाहु। जी महाराज। हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। क्या कह रहे हैं महाराज? क्योंकि तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर ने हमारी अंतरात्मा की पीड़ा को और हमारे मन की दुविधा को दूर किया है। दमयंती को तुम्हारे गले में वरमाला पहनाने का अधिकार हो चुका है। क्या मैं वरमाला पहनने के योग्य हूं महाराज? क्या यह मेरा रूप कुरूप तुम्हारी पुत्री दमयंती के पति बनने योग्य है? क्योंकि बनी बिगड़ जाए तो राजा की इज्जत कम नहीं होती और सोना टुकड़े टुकड़े हो जाए तो कीमत कम नहीं होती। ये क्या हो रहा है राजन? हमें स्वयंवर में आमंत्रित कर सब कुछ जानते हुए हमारा निरादर किया है, ऐसा क्यों? क्षमा करें राजन और बुरा मत मानिए। आपने हमारा दुख दर्द दूर किया, ये सब आपका ही सहयोग है। हम तो आपके ऋणी हो गए हैं। हे राजन, घोर आपत्तियों में 12 वर्ष का समय व्यतीत करने वाले नल, अब शनि और कलयुग का साया तुम्हारे ऊपर से हट चुका है। अब तुम्हारा सुखद समय से समझौता हो चुका है। पतिव्रता दमयंती को लेकर अपनी राजधानी शिखर चले जाओ। ओ राजमहल में पहुंचकर अपने अनुज भ्राता पुष्कर से कहिए कि तुम पुनः उनसे जुआ खेलना चाहते हो। पुष्कर तुम्हारी आकांक्षा को अवश्य स्वीकार करेंगे। इस द्युत में तुम्हारी विजय होगी। नल चले जाओ, विलंब ना करो, शीघ्र ही चले जाओ। हमें आज्ञा दीजिए महाराज। चले जाओ परंतु सतर्कता मत भूलना। दमयंती हेरे मेरी जान, के बुझे सरी गात मेरा क्यों काला हो गया। दमयंती हेरे मेरी जान, तर पकड़न गया पेड़ के तले घना गहरा झेरा। झेरे के माँ भरारी अगम जल शनि का सर पे था पहरा। अलज पेड़ में धोती गिर गई नगन गात हो गया मेरा। आधी धोती काट लई मन ख्याल करना कुछ तेरा। मंद पागल ठहरा संग चारा हो गया। दमयंती हेरे मेरी जान, के बूझे सरी गात मेरा क्यों काला हो गया। दमयंती हेरे मेरी जान।
करम हजूरी सोती की मने काट लई आधी धोती धोती लई लपेट गात में छोड़ी तू मने सोती। बदल गए औसान वक्त के बुझ गई अकल की ज्योति मंजिल मैनू सोचू था मन बतवरता होगी टोती। खोती होगी जान जान काहे गाढ़ा हो गया दमयंती फिर मेरी जान के बुझे सरगात मेरा क्यों काढ़ा हो गया दमयंती हिरे मेरी जान। बान बन खंड की राही मैं निर्भागी जा रहा था सोचूं था कड़े जाऊं मैं दर दर के धक्के खा रहा था। चलते चलते दिन छिप गया घना घोर अंधेरा छा रहा था। अकस्मात एक सर्प दुखी हो के आवाज लगा रहा था। कारा बैरी विषयर था नागव काड़ा दमयंती तेरे मेरी जान के बूझे सरगात मेरा क्यों काड़ा हो गया दमयंती तेरे मेरी जान। और कलयुग ने मेरी ब्याही घना सताया विषयर के काटे ते मेरी काली होगी काया। कदी अंधेरी कदी उजाली चलती फिरती छाया बड़ी विचित्र बड़ी निराली परमेश्वर की माया। रब की माला दमयंती हिरे मेरी जान के बूझे से गात मेरा क्यों काला हो गया दमयंती हिरे मेरी जान के बूझे से गात मेरा क्यों काला हो गया दमयंती हिरे मेरी जान हिरे मेरी जान।